बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मैं वेलकम करता हूँ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने इलिप्स के लिए जो स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए जो टेबल मैंने बताया था वो उम्मीद है आप लोगों ने याद कर लिया होगा। आज हम एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 6.5। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद गिवन डाटा एंड स्केच इट्स ग्राफ। डाटा क्या है? फोसाई है, प्लस माइनस 3.0 और माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ 10 है। तो फोसाई का मतलब सी की वैल्यू गिवन है और माइनर एक्सिस बी की वैल्यू गिवन है। फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द फोसाई प्लस माइनस 3.0 वी हैव सेंटर। कैसे? क्योंकि देखें, प्लस माइनस 3 का मतलब ओरिजिन से एक नेगेटिव 3 पे है और एक पॉजिटिव 3 के, तो इसका मतलब जो सेंटर है वो ओरिजिन पे आ गया है। तो फोसाई इसका मतलब सी की वैल्यू 3, ये फोसाई असल में ये सी की ही वैल्यू होती है, तो c इज इक्वल टू 3 आ गया। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ का मतलब 2b, यानी एक्सट्रीम लो से लेके एक्सट्रीम हाई तक। तो 2b इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5 आ गया। c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फार्मूला हमने डिस्कस किया था, वैल्यूज पुट कर दें। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 25। a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 34, ए की वैल्यू फिर स्क्वायर रूट 34 आ जाएगी। फ्रॉम द लोकेशन ऑफ फोसाई वी कैन डिटरमाइन द मेजर एक्सिस इन हॉरिजेंटल, देयरफॉर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर ओवर 34 प्लस वाई स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 1। यानी ये माइनर एक्सिस के पॉइंट, ये मेजर एक्सिस के पॉइंट, ये फोसाई है, क्योंकि फोसाई जो गिवन है वो एक्स एक्सिस की वैल्यू है, यानी चेंज एक्स एक्सिस में माइनस 3 से प्लस 3। इसका मतलब जो एक्सिस हैं, यानी इसके जो मेजर एक्सिस हैं वो कहाँ पे हैं? एक्स एक्सिस पे हैं। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट। फोसाई गिवन है माइनस 3 अंडर रूट 3.0 और वर्सेस है प्लस माइनस 6.0। सी की वैल्यू 3 अंडर रूट 3 आ गई, जैसे ये फोसाई की वैल्यू सी की वैल्यू होती है, और वर्सेस का मतलब ए की वैल्यू, ए किसके इक्वल है? 6 के, यानी एक नेगेटिव 6 नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव 6 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल, यहाँ पे आपने तीन चीजें चाहिए होगी, सी ए और बी। अगर दो गिवन है तो तीसरी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दी, 36 माइनस 27 9 आ गया, तो सी की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई, सॉरी। अब फ्रॉम द लोकेशन ऑफ फोसाई वी कैन डिटरमाइन द मेजर एक्सिस इज हॉरिजेंटल। आप वर्सेस से भी चेक कर सकते हैं कि वाई तो जीरो है, तो इसका मतलब सारा काम कहाँ पे हो रहा है? एक्स पे हो रहा है, तो एक्स एक्सिस यानी हॉरिजेंटल लाइन ही इसके मेजर एक्सिस होंगे। तो आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर 6 स्क्वायर ए की वैल्यू प्लस वाई स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर बी की वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो ग्राफ क्या होगा इसका? माइनस 6 टू प्लस 6, ये फोसाई के पॉइंट और ये माइनर एक्सिस यानी कोवर्सेस। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। फोसाई गिवन है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3/2, √3। वी नो दैट द सेंटर ऑफ द इलिप्स इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग फोसाई, सो सेंटर 0, 0 आ गया। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस है, जितना डिस्टेंस पॉजिटिव एक्सिस पे उतना ही डिस्टेंस नेगेटिव एक्सिस पे। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 5। अभी जैसे हमने देखा, लेट द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एज इट पासिस थ्रू 3/2 और अंडर रूट 3। वैल्यूज पुट कर दें, एक्स की जगह 3/2 और वाई की जगह अंडर रूट 3, तो ये बन गया 9/4 ए स्क्वायर प्लस 3 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर 3 आप कॉमन ले लें तो 3 × 3/4 a² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 1। तो एलसीएम लेंगे, 3b² प्लस 4a² / 4a² b² इज इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 = 9b² प्लस 12a² इज इक्वल टू 4a² b². यूजिंग c² इज इक्वल टू a² माइनस b² पुट c इज इक्वल टू अंडर रूट 5। तो ये बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू 5, बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 5। ये वैल्यू रिप्लेस कर दे वहां पे, 12 ए स्केयर प्लस 9 इंटू
इस बी की जगह बी की वैल्यू रिप्लेस कर दी ए स्केयर माइनस फाइव इज इक्वल टू फोर ए स्केयर इंटू ए स्केयर माइनस फाइव, इस बी की जगह भी वैल्यू रिप्लेस कर दी। ट्वेल्व ए स्केयर प्लस नाइन बी स्केयर माइनस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू फोर ए पावर फोर बन गया माइनस ट्वेंटी ए स्केयर मल्टीप्लाई करने से। अब ट्वेल्व ए स्केयर माइनस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू फोर ए पावर फोर माइनस ट्वेंटी ए स्केयर एक साइड पे ले जाते हैं, फोर ए पावर फोर बन गया माइनस फोर्टी वन ए स्केयर प्लस फोर्टी फाइव, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी, ए की जगह फोर बी की जगह माइनस फोर्टी वन और सी की जगह फोर्टी फाइव ओवर टू ए टू इंटू फोर। तो ए स्केयर की वैल्यू यहाँ पे ए स्केयर क्यों आया, क्योंकि असल में ये जो इक्वेशन है इसमें ए स्केयर का स्केयर लिखेंगे यहाँ, तो ए फोर बनेगा ए स्केयर को, यानी एक्स कंसिडर किया है यहाँ पे, तो बन गया 41 प्लस माइनस 41 आएगा प्लस माइनस 16 81 माइनस 720 सॉल्व करेंगे ओवर 8 41 प्लस माइनस 9 माइनस ये और माइनस इसका प्लस हो जाएंगे 41 ये आ गया 41 प्लस माइनस 31 ओवर 8 एक दफ़ा माइनस में लिख दिया एक दफ़ा प्लस में 10 ओवर 8 बन गया और 72 ओवर 8 5 बाय 4 और 9 व्हेन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बाय 4 तो बी स्केयर किसके इक्वल आ गया 5 बाय 4 माइनस और ये आंसर नेगेटिव आ रहा है। अब ये लेंथ है ए और बी लेंथ है, लेंथ कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं दे सकती इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अब हम दूसरी वैल्यू चेक करते हैं, व्हेन ए स्केयर इज इक्वल टू 9 तो बी स्केयर ए स्केयर माइनस 5 9 माइनस 5 4 आ गया, तो बी स्केयर की वैल्यू 4 आ गई। तो इक्वेशन जो है हॉरिजॉन्टल है क्योंकि साइज से हम चेक करते हैं, उस तरह एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू वन, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर नाइन वाई स्केयर बी स्केयर फोर इज इक्वल टू वन और ये इसका ग्राफ है आप लोग देख सकते हैं, माइनस थ्री से प्लस थ्री तक, माइनस टू से फाइव तक और जीरो जीरो इसका माइनस टू से प्लस टू तक है और माइनस अंडर रूट फाइव से प्लस अंडर रूट फाइव तक फोसाई और सेंटर इसका ओरिजिन पे यानी जीरो जीरो पे है। नेक्स्ट देखते हैं जिसका पार्ट नंबर एट, सेंटर जो मैं छोड़ रहा हूँ पार्ट वो आप लोग ट्राई कीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं सारे करवाता जा रहा हूँ, कुछ बिल्कुल सेम जो है वो मैं स्किप करता जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, अब जो मेजर एक्सिस हैं वो वाई एक्सिस पे आ गए हैं एंड लेंथ एट यूनिट, माइनर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेंथ सिक्स यूनिट है, तो इसका मतलब टू ए टू कोमा टू सेंटर है, तो x माइनस टू ओवर ए स्केयर प्लस y माइनस टू ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू वन। अभी हमने बात की थी कि अगर सेंटर h और k के पे आ जाए तो अब क्योंकि y को पहले लिखा क्योंकि मेजर एक्सिस y पे है, अब 2a की वैल्यू 8 है क्योंकि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 8 है, तो a की वैल्यू 4, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 6 है तो b की वैल्यू 3, वैल्यूज पुट कर दें a और b की आंसर आ जाएगा y माइनस टू होल स्केयर ओवर a, a की वैल्यू 4 है 4 का स्केयर 16 प्लस x माइनस टू ओवर b, b का स्केयर 3 है 3 का स्केयर 9 इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन कैसे बनेगी, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखें 5.2 से माइनस 1.2 ये इसका सेंटर है यानी ओरिजिन है, ये इसके फोसाई के पॉइंट और ये इसका मेजर एक्सिस है, क्लियर होगी बात, तो ये इसका ग्राफ होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आप लोग ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।